कल जैसे ही लेक्चर हमने एंड किया, वैसे ही अंकिता दीक्षित और तीन चार बच्चों ने फटाफट से होमवर्क भेज दिया। मतलब जो होमवर्क मैंने कल के लिए बोला था वो उन्होंने आज ही करके भेज दिया, ऑन स्पॉट, लेक्चर एंड होते ही। आई मीन दैट द स्पिरिट। सीरियसली आप लोग मतलब पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, मेरे साथ साथ पे सॉल्व कर रहे हो। आई अप्रिशिएट यार, सीरियसली मज़ा आई यार कल का देख के तो। एंड इकोनॉमिक्स में तो एकदम से पूरा भारी अल्टीमेट था इकोनॉमिक्स का अपना ग्रुप भी, बहुत मज़ा आई। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें क्या? कितने बच्चे आ गए? स्टार्ट करें हम लोग? यस चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कल क्या क्या पढ़ा था हमने, कौन सा नया एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमने, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया था, है ना। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है? निगेशन के आते ही कंजंक्शन क्या हो जाता है? डिसजंक्शन हो जाता है। डिसजंक्शन क्या हो जाता है? कंजंक्शन हो जाता है। इतना सा पार्ट देखा था कल हमने, देखना जरा। अब आज हम लोग फटाफट से ना लॉज रिवाइज करेंगे। ये था लॉ, ये लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है? निगेशन पूरे का, पी एंड क्यू का निगेशन क्या होगा? निगेशन पहले आप पी को भी मिलोगे, स्क्रीन पे देखना हाँ। निगेशन पहले आप पी को भी मिलोगे, ठीक है, और निगेशन क्यू को भी मिलेगा। निगेशन दोनों को मिलेगा, पी को भी मिलेगा, क्यू को भी मिलेगा। और ये जो एंड है ये क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। ऑलराइट, ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर आप इसे बोलो निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ऑलराइट, ये एक हमने देखा था। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, मैडम ये क्या था फिर? ये भी एग्जाम में आएगा तो लिखना? नहीं रे बब्बा, ये तो मैंने सिर्फ आपको देखो, यहाँ पे कौन सा साइन दिख रहा है आपको? इम्प्लाई साइन दिख रहा है, तो ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ करके बताया, ठीक है। ये देखो, ये कॉलम सेम आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये सिर्फ आपके लिए प्रूफ के लिए था, ठीक है। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो मतलब है सिर्फ इससे, ठीक है, ओके। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन गाइस ये भी उतना ही मस्त सा है। जो निगेशन है देखो यहाँ पे पूरे के साथ में है, पी और क्यू का निगेशन है। पैरेंथेसिस ध्यान रखना, पैरेंथेसिस मतलब मैडम ब्रैकेट, ठीक है, लॉजिक में से हम लोग पैरेंथेसिस बोल देंगे, ओके। तो ये जो निगेशन है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो पी को भी मिलेगा, क्यू को भी मिलेगा, और ये जो और है ये बन जाएगा हमारा एंड। और क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया आपको, आप इससे चाहे डी मॉर्गन्स लॉ बोल लो या आप उसे बोल लो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है, कोई भी रूल बोल लो, दोनों चलेगा। तो हमने कल ये दोनों चीज़ें देख ली थी बेटा, ये दोनों पार्ट कर लिया था, ठीक है। और हमने एक और चीज़ कर लिया था कि निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा? पी, बहुत ही सिंपल था पार्ट है तो। अरे निगेशन ऑफ निगेशन पी मतलब निगेशन पी का भी निगेशन, निगेशन पी का भी निगेशन, तो क्या हो जाएगा? पी। अच्छा मैम कैसे? अरे देख लो इधर प्रूफ है, ये रहा आपका पी और ये रहा आपका निगेशन ऑफ निगेशन पी, प्रूफ करके दिया है। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं गाइस। हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं निगेशन ऑफ कंडीशनल या इम्प्लीकेशन, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट बोल लो या फिर आप इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट बोल लो, बात एक ही है। कंडीशनल क्या होता है? वन साइडेड एरो, ठीक है। डबल कंडीशनल क्या होता है? बाय कंडीशनल क्या होता है? डबल साइड का एरो, ओके। चलो फिलहाल तो हम लोग सिर्फ इसी की बात करते हैं, ओके। आपको क्या करना है पता है क्या? इफ पी देन क्यू, इसका निगेशन बताना मुझे। इफ पी देन क्यू, इस पूरे का निगेशन क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ये बताती हूँ, ठीक है, एक प्रूफ की तरफ लेके चलती हूँ बेटा। देखो आपने मुझे बताना है कि पी इम्प्लाइज क्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो पहले पी क्या है, एक अगर हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो पी क्या है? टी टी एफ एफ, कर लो मेरे साथ पे लिख लो, ठीक है, ये अपने नोट्स में नहीं है, मेरे साथ साथ लिख लो। सिंपल सा पार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। ये इधर देखो, निगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज पी बट नॉट क्यू। अब वो कैसे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है।
निगेशन ऑफ पी और क्यू, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैम कैसे लिख सकते हो, आपको भी नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। चलो एक बार प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं। अगर ये दोनों, ये साइड का जो कॉलम है ठीक है, और इसका कॉलम अगर दोनों सेम रहा तो हम इसे इक्विवेलेंटली लिख, ठीक है, हम इसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ऑलराइट चलो आ जाओ एक बार फटाफट से सॉल्व करते हैं। टी एफ ध्यान नहीं हटाना, ओके, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना, 100% कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखोगे। ऑलराइट ठीक, अब पी इम्प्लाइज क्यू करने से पहले निगेशन पी कर लो और निगेशन क्यू, निगेशन पी कर लो बस, निगेशन क्यू तो नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निगेशन पी है ना, तो निगेशन पी कर लो। निगेशन पी क्या हो जाएगा, एफ एफ, और ये एफ एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, टी टी, ठीक है। जो बच्चा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई रिक्वेस्ट बेटा आज कुछ भी नहीं समझेगा, आप पहले से आओ, आराम आराम से आओ, बहुत ही शांति से, बहुत ही शिद्दत से, ईमानदारी से, हमने बहुत मज़े से ये वाला एक्सरसाइज किया है, ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया है और अभी हम लोग 1.8 वाला पार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसका जब बेसिक ही नहीं पता है ना तो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो कोई बच्चा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा होगा, बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है तो, ठीक है। हाँ अगर आपने बीच में से किया है देन कोई बात नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। P implies Q, P implies Q क्या हो जाएगा बताना मुझे, P implies Q जल्दी से सॉल्व करो। P implies Q, आपको सिर्फ ये दोनों पार्ट देखना है ना, करो जल्दी से। अरे साक्षी हार्डवर्क करी, रैंक आया, ओके, साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, पूरा घर सिर पे, ठीक है, हार्डवर्क किया रैंक आया, यस डन, हार्डवर्क किया और रैंक भी नहीं आया, फिर पापा बोलेंगे बेटा मैंने बोला था ना हार्डवर्क कर ले, ठीक है, याद आ रहा है था, ओके चलो यार बढ़ो आगे। अब क्या बचा, अब सिर्फ इतना पार्ट बचा है, निगेशन पी और क्यू। सी चाहूँ मैं तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रटवा सकती हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट, ये चैप्टर में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ें रट्टा मारने की, ठीक है, लास्ट में अपन पहले प्रूफ कर लेंगे और फिर मैं आपको वो चीज़ें बोलूँगी कि भाई अब इसे हम लोग, हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी चीज़ रट्टा मत मारो, चलो अब इसके लिए कौन से कॉलम देखने हैं, हमें देखना ज़रा कौन से कॉलम देखूँ, एक ये नॉट पी देख लूँ और करना है मुझे क्यू क्या, तो ये दोनों कॉलम देखने हैं हमें, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मेरे साथ में है सब, अरे यस और नो, सब मेरे साथ में है, अच्छा समृद्धि का आंसर भी आ गया, ओके क्या हो जाएगा इसका, और करना है, दोनों में से कोई एक भी है तो चलेगा, दोनों में से कोई एक भी है तो, दोनों ही नहीं है नहीं चलेगा, एक है एक है, टी एफ टी टी, ठीक है, देखना ज़रा आंसर सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या, हम लोग इक्विवेलेंट साइन लिख सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट साइन लिख सकते हैं, यस और नो, यस एवरीवन अग्रीड, ठीक है। तो अब से ये चीज़ मतलब मैम याद रखना है, नहीं अभी कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है, आपकी मैम आपको बताएंगी। तो इसका मतलब क्या, हम लोग पी इम्प्लाइज क्यू को निगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं, है ना, ये अभी आपने प्रूफ किया। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको इस पूरे का निगेशन करना है तो आप, हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, क्या लिखोगे यार, पूरे का निगेशन करना, हम लोग तो निगेशन पढ़ रहे हैं ना कंपाउंड स्टेटमेंट का, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट में देखो पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, इस पूरे का निगेशन कर दें, बोलो चलेगा, क्या किया मैम आपने, बेटा कुछ भी नहीं, ये जो P और Q है ना, ये देखो ये P और Q, इसके बदले में क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, वो लिख दिया मैंने, निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हो, वो मैंने लिख दिया, यहाँ तक समझा, ये सब समझ में आ रहा है, ओके। अब ये निगेशन मैंने आपको ओपन करना सिखाया था, है ना, और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, अब ये देखो ये निगेशन ऑफ निगेशन पी, ये और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू, अब इम्प्लाइज करो, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या होता है, अब भी पढ़ा हमने थर्ड वाला पार्ट, पी होता है मैम, निगेशन ऑफ निगेशन पी, पी ओके एंड नॉट क्यू, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, P and not Q,
पी एंड नॉट क्यू. ओके लिख सकती हूँ मैं? यस टेल मी. क्या अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू. डन. चलो आ जाओ देखो ज़रा यहाँ पे भी, क्या हमारे नोट्स में भी वही लिखा है क्या, देखना ज़रा. निगेशन देखो इधर बुक में भी सेम चीज़ें लिखी है, इसके बदले में उन्होंने आपको ये पता है, ठीक है, बाहर निगेशन है तो आपने अंदर में ये पार्ट लिख दिया. क्या लिखा आपने, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिख दिया, ठीक है. अब निगेशन किसका, निगेशन ऑफ निगेशन पी, ये हो गया, ठीक है, ये क्या आ जाता है पी. अब निगेशन ऑफ और क्या बन जाएगा, एंड. निगेशन ऑफ क्यू क्या बन जाएगा, निगेशन क्यू, ये रहा एंड और ये रहा निगेशन क्यू. समझ में आया आपको? निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अभी, पी एंड नॉट क्यू. निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू. सिंपल, ठीक है मैम, ये ध्यान रखना है. यस, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली अपन को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. मैम ये वाला ध्यान नहीं, कुछ भी देखो, देख एक सेकेंड, सिर्फ इतना पार्ट ध्यान में रखना, जो भी आपको येल्लो कलर से हाईलाइट दिख रहा है सिर्फ इतना ही पार्ट ध्यान रखना है. क्या याद रखना है मेरे साथ साथ, एक बार बोलो, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू. निगेशन ऑफ, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. तो डायरेक्टली अगर ये वाला अगर हमें फॉर्मूला आता है ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम सेव होगा. ऑल राइट, ठीक है, मेरे साथ साथ एक बार घर में बोलो, बोलो, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू. अच्छा इसका शॉर्टकट भी बता दूँ क्या आपको? आप बोलते हो मैडम ये वाला हमें ध्यान नहीं हुआ, हमें ये वाला पार्ट याद रहेगा. अच्छा ये वाला पार्ट याद रहा, इसका निगेशन जाएगा, इस पूरे का निगेशन होगा, तो ये निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा, पी, ये और क्या हो जाएगा एंड, और ये क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू. समझ में आ रहा है? बट कुछ अदर तरीका मत ध्यान रखो, ठीक है, अननेसेसरी कन्फ्यूज हो जाओगे. दोनों तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस पार्ट. ऑल राइट, अब फटाफट से देख लो एक बार ट्रुथ टेबल में, आंसर सेम आ रहा है क्या? ये देखो निगेशन ऑफ पी एंड, पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर देखना ज़रा, एफ टी एफ एफ, और पी एंड नॉट क्यू देखना, एफ टी एफ एफ, हैंस प्रूफ्ड. ऑल राइट, चलो यहाँ तक समझा? यस, ट्रुथ टेबल मत देखो, ट्रुथ टेबल मत देखो, एक बार आप ट्रुथ टेबल घर पे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, तो भी पूरा आंसर सेम आएगा. ऑल राइट, इतने सारे तो अपन इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज 1.7 कितना सारा सॉल्व किया है. यस ओके, चलो बढ़े आगे एक बार वापस से. निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू. बोलो मेरे साथ साथ, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू. ऑल राइट, चलो निगेशन ऑफ, ये तो था कंडीशनल, बाय कंडीशनल क्या होगा इसका एक शॉर्टकट बताऊंगी, पहले आप लॉन्ग कट समझ लो, शॉर्टकट भी बताऊंगी, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा याद करना बेटा. हमेशा मैंने ये बताया पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, एंड q implies p, ये हमेशा से मैंने बताया. इसका मतलब क्या है, p q जैसा ही है और q भी p जैसा ही है, ठीक है, p implies q एंड q implies p. ऑल राइट, यहाँ तक आपको पता है? ये देखो सेम चीज़ लिखी है, डबल इम्प्लीकेशन p implies q एंड q implies p, ये पार्ट हमें पता है, ठीक है. ओके अब आपको क्या करना है, p इम्प्लाइज क्यू का अभी के अभी जस्ट ऊपर में आपने क्या फॉर्मूला ध्यान में रखा था, क्या डिराइव किया था, पी एंड नॉट क्यू, है ना, पी एंड नॉट क्यू. इसके बदले में कर दो ज़रा, फटाफट से कर दो, पी एंड नॉट क्यू, इसके बदले में कर दो क्यू एंड नॉट पी. अब जब इस पूरे का निगेशन होगा, पूरे का निगेशन होगा, तो ये और क्या बन जाएगा, ये एंड क्या बन जाएगा, और. सिंपल है, अगर एक समझ में आ गया, कंडीशनल समझ में आ गया, तो बाय कंडीशनल बहुत ही इजी है. इसको मैं पूरा डिराइव करके बताती हूँ आपको, डोंट वरी, ठीक है, कैसे आया क्या आया. बट अगर जो बच्चों को शॉर्टकट चाहिए तो क्लिक हो रहा होगा, एंड आई वांट कि आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करो, ठीक है मैम, एक बार वापस से समझाओगे शॉर्टकट? बिल्कुल बिल्कुल, आओ इधर देखो इधर, अरे मेरे साथ में हो ना, समझ में आ रहा है? निगेशन ऑफ कंडीशनल समझा क्या, सभी बच्चे को निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट समझा,
मैम ये देखो ये वाला पार्ट समझा के इतना बता देना मुझे, ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, वो भी समझ में आ जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट समझा सबको? यस पार्थ, एवरी वन ऑफ यू, पार्थ, समृद्धि, मोहम्मद, दर्शना, तन्मय, दानिया, वरद, देवे, नेहर, दिव्या, बेटा एवरी वन, आई एम आस्किंग टू एवरी वन, अंकिता दीक्षित, बेटा समझा? बेटा होमवर्क करने में अभी मत लगना, अभी पहले समझ के लो, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आज कोई होमवर्क ही ना दे पाऊँ मैं, बिकॉज मुझे ये एक्सरसाइज आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। और इतनी तोड़ है ना, इतनी मज़ा आती है ना इसमें भी, बहुत मज़ा आती है, जैसे वो TF में मज़ा आ रही थी ना वैसे ही इसमें मज़ा आएगी, ट्रस्ट मी, ठीक है? होमवर्क अभी कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है? पूरा 100% मेरे साथ, तो समझा ये पक्का से? फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ बाय कंडीशनल में। ओके, क्या देखा था हमने, इम्प्लीकेशन क्या होता है? देखो स्क्रीन पे देखो, व्हाट वी कैन से, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा? पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, ठीक है? तो चलो अगर ये समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा खुद से करते हैं, पहले खुद से करेंगे गाइस, बाद में ये बुक वालों के साथ में हम हमारा आंसर चेक करेंगे, फाइनल आंसर, ठीक है? चलो आपको भी करना है, आप भी कर सकते हो मेरे साथ में, अब कर लो सॉल्व। पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू का निगेशन, ठीक है? एक सेकेंड, इसका निगेशन, दिस इम्प्लाइज, ये क्या होता है, P implies Q and Q implies P, यहाँ तक समझा सभी को? ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है? ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसके कितने सारे नाम थे, P implies Q, Q implies P, 10 तरह से बोल सकते हो आप, P implies Q and Q implies P, दिखाऊं क्या नोट्स में? यस, एनी वन वॉन्ट टू सी नोट्स में, देखा है आपने, याद है या नहीं है, या एक बार बता दूँ नोट्स में, बोलो। सी जो पढ़ रहे हैं ना वो बहुत अच्छी से तरह से होना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ, बताऊँ, एनी वन, या याद है? याद है, ओके। यस चलो यार, ठीक है, अगर याद है तो फिर ठीक है। अच्छा इसका मैं बताती हूँ मैंने कहाँ बताया था, जब हम लोग कंडीशनल पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग कंडीशनल और बाय कंडीशनल पढ़ रहे थे, उसका ट्रूथ टेबल पढ़ रहे थे, तो याद करो मैंने वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स बताए थे कि इसके और भी नाम हैं, उसमें से एक नाम ये था कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, अभी समझा? कहाँ बता रही हूँ, जब मैंने ट्रूथ टेबल बताया था ना वहाँ पे बताया था, बहुत सारे नाम रेड कलर में लिखे थे याद है, एंड के किस में, बट, स्टिल, दो, इवन, दो, इंस्पाइट, ये सब लिखा था, फिर और के केस में लिखा था, फिर इम्प्लीकेशन में अलग लिखा था, डबल इम्प्लीकेशन में अलग लिखा था, वो वाला पार्ट, यस, तो वो वाले पार्ट में ये वाला पार्ट, ये चीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ ली थी, वही चीज़ मैंने अप्लाई की है। चलो अब आपने क्या पढ़ा था, अभी के अभी हमने क्या निकाला था, वन सेकेंड ना, पी इम्प्लाइज क्यू को आप क्या बोल सकते हो, पी implies Q and Q implies P, यहाँ तक हो क्या? अब मैं बोल रही हूँ आपको सबका निगेशन निकालना है, किसका, इन सबका निगेशन निकालना है, तो बड़ा ब्रैकेट लो इधर और यहाँ पे भी बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दो, ठीक है? नाउ निगेशन ऑफ P implies Q, ठीक है, इसका निगेशन एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड कैसे आ गया, एंड क्या हो जाएगा अपना, और हो जाएगा ना, निगेशन से एंड क्या हो जाएगा, मैम नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट, अभी हमने निगेशन ऑफ कंजंक्शन पढ़ा था, कंजंक्शन या डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर, ये पूरा मान लो आप पी, ये पूरा मान लो आप क्यू, तो क्या बोला है, पी एंड क्यू बोला है, तो कर लो निगेशन, पी क्या है हमारा, पी इम्प्लाइज क्यू, ये एंड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ये क्यू क्या है हमारा, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, अभी क्लियर हुआ ये स्टेप, फटाफट से बता दो, ये स्टेप क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ती हूँ, यस ठीक है, मेरे बच्चे शार्प है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आई कैन प्रोसीड फर्दर, है ना? चलो अब ध्यान से, निगेशन ऑफ
कंडीशनल स्टेटमेंट अभी के अभी आपने पढ़ा था, देखो निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू, और अब इसको ब्रैकेट कर दो क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, और इसका निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी क्या हो जाएगा, बोलो क्यू एंड नॉट पी, ब्रैकेट कर दो, डन, समझा सभी को कैसे किया हमने, बस हो गया आंसर, अभी यहाँ पे और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, बस दिस इज द आंसर। तो हमारा हमें क्या याद रखना पता है आपको, आपको एग्जाम में याद क्या रखना है, ये निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ये होता है पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी। मैडम इतना पूरा याद कैसे होगा, अरे बहुत सिंपल है, देखो आपको क्या पता है पी एंड नॉट क्यू का, इसका निगेशन क्या पता है, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या पता है बेटा, पी एंड नॉट क्यू पता है, ये और ये एंड क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और क्यू इम्प्लाइज पी का निगेशन क्या पता है, क्यू इम्प्लाइज पी, बोलो क्यू एंड नॉट पी, ये लो डायरेक्टली भी करना है तो भी हो जाता, लेकिन डायरेक्टली करोगे ना तो वो जो एंड है उसको और करना ध्यान रखना, बस इतना ही, ठीक है, डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, समझा सभी को ये वाला पार्ट, तो चलो आ जाओ यार नोट्स में भी देख लो एक बार, ये कौन सा लॉ था, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी, देखना थोड़ा वापस से इधर, पी एंड नॉट क्यू, क्यू एंड नॉट पी, पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी, डन, वही आया है एंड बहुत सिंपल है, एक समझ में आ गया निगेशन ऑफ कंडीशनल समझ में आ गया ना, तो देखो ये निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये ऊपर अभी हमने सॉल्व किया था, ये रहा ये निगेशन, जब निगेशन का जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ तो ये एंड क्या हो गया और हो गया है, और फिर इसका निगेशन इसका क्या आ जाएगा, क्यू एंड नॉट पी, समझ में आ रहा है सभी को, तो अब मेरे साथ साथ एक बार बोलो, एक बार रिपीट कर दो, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन क्यू, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू और पी एंड नॉट क्यू के बाद में और, मैम कैसे, अरे बाबा ये देखो ना ये तो आपको पता है एंड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेशन कर रहे हो तो और हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, क्यू एंड नॉट पी, पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी, ठीक है, डन, एकदम से याद नहीं होगा बट समझ के करेंगे आ जाएगा, इम्प्लीकेशन समझ जाना चाहिए, इम्प्लीकेशन अगर इम्प्लीकेशन याद होना चाहिए, ठीक है, इम्प्लीकेशन याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू, बट अगर ये ध्यान है तो अब ये वाला पार्ट ध्यान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डन, बड़े बेटा आगे, एवरी वन ऑफ यू, ओके चलो अगर ये भी समझ गया, अच्छा मुझे अभी एक और चीज़ बता दो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट पढ़ा दिया था, याद आ रहा है, ऑल के बदले में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सम, ऑल इज रिप्लेस बाय सम, कुछ, फॉर एवरी इज रिप्लेस बाय देयर एग्जिस्ट, ठीक है, और वाइस वर्सा, सम के सम आया तो ऑल, देयर एग्जिस्ट आया तो फॉर एवरी, सिंपल, ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके मैम ने सारे आपके फुले फॉर्मूले जो है वो एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू, डन, निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ पी, ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी, योर थर्ड वन दिस पार्ट, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, ओके, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, सिंपल, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी, ऑल के बदले में ऑल का निगेशन आया तो सम, निगेशन ऑफ एवरी आया तो देयर एग्जिस्ट, डन, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट समझ में आया क्या, एवरी वन ऑफ यू, ये पार्ट रेड कलर से जो हाईलाइट किया बस उतना ही एग्जाम में देख के जाना है बस और कुछ नहीं, पक्का, घर में प्रैक्टिस करना, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या है, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, ठीक है, ओके चलो यार,
तो ये वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर बाद करवाती हूँ, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मेरे साथ रहना 100%, कोई भी होमवर्क करेगा नहीं, बिकॉज आपकी मैम थोड़ा सा फास्ट फास्ट लेगी, बिकॉज बहुत सिंपल सा पार्ट है, ऑलरेडी वी हैव डन, राइट? निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निगेशन निकालना है। ऑल द स्टार्स, अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मार्क कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में, आपके एक्सरसाइज में, आपके नोट्स में, रेड कलर से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कन्फ्यूजिंग किया है उन्होंने। यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है? मैंने निगेशन में नहीं बताया था बिकॉज तब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नाउ ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, ये कौन सा है, मतलब कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, मुझे कोई बताएगा? लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा वाला है? एंड है, नॉट है, और है, क्या है? इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, क्या है? मैडम एंड तो नहीं है, और भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, ठीक है? निगेशन तो हमें करना है इसका, ओके। इफ एंड ओनली इफ है कि इफ इफ देन है? यस, टेल मी गाइस। अच्छा इफ देन है, ओके। तो इसमें पी क्या है और क्यू क्या है? अगर ये इफ देन है तो पी क्या है और क्यू क्या है? ओ आंसर दिख रहा है दुष्टो, इधर लो, अब बताओ। देखो हमेशा याद रखना एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। इफ से चिपक के कुछ भी चीज़ रहेगी वो रहेगा आपका पी। इफ दिस, इफ इट इज क्लाउडी देन इट विल बी रेनिंग, मतलब अगर क्लाउडी है, मैंने क्या स्टेटमेंट बोला? इफ इट इज क्लाउडी, ठीक है? इफ इट इज क्लाउडी, तो इफ से लग के, इफ से चिपक के जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है? और देन इट विल बी रेनिंग, ठीक है? तो ये रेनिंग वाला जो लाइन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, इफ इट इज़ नाइट, अगर आप इस स्टेटमेंट को लिखना चाहोगे ना, यहाँ पे देन तो नहीं दिख रहा मैडम, तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसको कैसे लिख सकते हो? इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब राइट क्वेश्चन ये था इफ और देन वाला पैटर्न, ठीक है? बट आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इफ दिया है। तो मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, इफ से लग के जो भी कुछ रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्या है और क्यू क्या है? ये वाला पार्ट क्यू है। यस एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया आपको? देख लो बेटा यहाँ पे पी क्या है, इफ इट इज नाइट, इट इज नाइट, ठीक है? पी क्या है? इट इज नाइट, ये क्या हो जाएगा? पी। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ये क्या हो जाएगा? क्यू। डन। अब इसका निगेशन करना है। इफ देन बोला, मतलब इफ देन बोला तो हम ऐसा लिख ले पी इम्प्लाइज क्यू लिख ले, और पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है? पी एंड नॉट क्यू, ठीक है? अब जो फॉर्मूले थे ना अपने पांच फॉर्मूले, जो भी देखो मैंने रेड कलर में जो आपको हाईलाइट किया था, ये यहाँ पे अब इम्प्लाई करना है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे हम लोग? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। क्या बोला है उन्होंने? पी लिख लो, पहले पी लिखो। क्या लिखोगे? पी क्या था आपका? इट इज़ नाइट को आपने पी लिया था, इट इज़ नाइट, एंड लिख लो, एंड के बदले में बट भी लिख सकते हो, जो लिखना लिख लो, ठीक है? नॉट क्यू, ऑल द स्टार्स, नॉट क्यू, निगेशन क्यू करना है, तो ऑल के बदले में क्या हो जाएगा गाइज? ऑल के बदले में क्या हो जाएगा? सम, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। अच्छा अब मैं यहाँ पे और थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे लेके जाके और थोड़ा अच्छी तरह से डिटेल में बताती हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट का ना नॉट कब करना है। निगेशन, जैसे यहाँ पे निगेशन क्यू बोला, ठीक है? सेंटेंस क्या था आपका? ऑल द स्टार्स, ये भी लिख कर रखना, ठीक है? आज दो तीन बातें आपको लिखनी थी, वो पार्ट एक फर्स्ट जो फॉर्मूले हमने देखा, ठीक है? इम्प्लीकेशन वाले में पुट किया, ये वाला पार्ट कि पी से चिपक के जो रहेगा, इफ से चिपक के जो रहेगा वो हमारा पी रहेगा, एंड ये थर्ड पार्ट, ये भी पार्ट आपने लिखना है नोट्स में। क्या लिखोगे? देखो ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, गलतियाँ होती है छोटी छोटी सी, इतने से स्टेप से अगर हाफ मार्क या वन मार्क चले जाए तो क्या मतलब आ रहा है इतने सारे एफर्ट्स का, ठीक है?
अगर निगेशन करना है तो स्टेप नंबर वन, व्हाट इज योर स्टेप नंबर वन? स्टेप नंबर वन क्या है? ऑल को सम से रिप्लेस कर लो. एंड स्टेप नंबर टू क्या है? रिमेनिंग जो भी पार्ट है, रिमेनिंग सेंटेंस है, उसको उसका निगेशन कर लो, उसका रिगेशन करो. मतलब ऑल क्या हो जाएगा? सम. द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. निगेशन क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट का निगेशन क्या हो जाएगा? द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. समझ में आ रहा है? ये समझ में आया आपको डिटेल्ड में? एवरीवन इज विथ मी? तो हो गया यार, निगेशन क्यों तो आपको आ गया अभी समझ में. निगेशन एकदम डिटेल्ड वे में भी बता दिया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप. देखो, इट इज नाइट एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में दिस इज द आंसर. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है क्या? आपको ये समझ में आया? टेल मी गाइस, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सभी को? एवरी वन ऑफ यू बोलो यस पार्थ, बोलो. एनी डाउट टू एनीबडी? अहद, अथर्व, देवेन, मोहम्मद, समझा थोड़ा? अरे बाप रे, थोड़ा क्यों समझा यार? बहुत सिंपल है. पी इम्प्लाइज क्यू बोला है, ये तो क्लियर हो गया. पी इम्प्लाइज क्यू है, ये तो भी क्लियर हो गया. अब क्या करना है आपको? पी इम्प्लाइज क्यू का ये क्या होता है? इक्विवेलेंट क्या होता है? बोलो. पी एंड नॉट क्यू. मैम कहाँ से आया? यहाँ पे लिख लेना ज़रा ब्रैकेट में, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या है? पी एंड नॉट क्यू. तो पी लिखो पहले. पी क्या था हमारा? ये रहा पी आपका. इट इज़ नाइट, ये लिख लिया. पी लिख लिया. क्या बोला है? एंड करो. ये लो एंड किया बेटा. क्यू क्या बोला है? क्यू नहीं है, नॉट क्यू है. फॉर्मूले में क्या आ रहा है? नॉट क्यू. ऑल स्टार्स, ऑल के बदले में क्या लगाना है? सम. ये लो सम लगा दिया. स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. डन. अभी समझा सभी को? यस 100%. दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, मार्क इट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने अननेसेसरी कन्फ्यूज किया है. ठीक है, ओके. अब एक बात सुनना, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, डोंट फॉलो इट. नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. टेक्स्ट बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट ईयर के पेपर्स कुछ नहीं. वी आर हियर फॉर यू. ठीक है, क्लासेस में फीस दिया है, उसके अलावा एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, प्रैक्टिस पेपर्स जितने बोलोगे उतने देंगे हम. ठीक है, अच्छा होगी. अपने आप पे टेस्ट होने वाली है, ऑब्जेक्टिव्स होगी, उसके बाद में एक लोअर लेवल टेस्ट होगी, एक हायर लेवल होगी, एक सबसे टफेस्ट लेवल होगी, सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पास के पेपर्स होंगे, सब चीज़ें होंगी. ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया? अरे याद आ रही क्या ये? फॉर ऑल यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो. इसका क्या हो जाएगा निगेशन? फॉर ऑल का बदला क्या होगा? देयर एग्जिस्ट. यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये क्या हुआ बोलो? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो ये उल्टा ई. ठीक है, एन बिलोंग्स टू, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया था बेटा. ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन सच दैट. अब ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका उल्टा क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू जीरो. वही लिखा है. डन. सेकेंड वाला पार्ट समझा? यस, फटाफट से कम्युनिकेट करते जाओ. ठीक है, सो दैट आई कैन मूव अहेड. चलो अब क्या बोला है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोला है. देर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर प्लस टू इज ऑड नंबर. इसका निगेशन बताना है आपको. तो देर एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा? फॉर ऑल. ठीक है, इसका निगेशन क्या हो जाएगा? अरे देर एग्जिस्ट का क्या होता है? फॉर ऑल. फॉर ऑल का क्या होता है? देर एग्जिस्ट. सिंपल. ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस टू इज नॉट एन ऑड नंबर. सिर्फ नॉट लगाया है. ठीक है, फोर्थ पार्ट, सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल. निगेशन बोलो, सम के बदले में क्या आएगा? ऑल. और जो ऑल पुट कर लिया,
फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसमें नॉट लगा दो, पहला ऑल के बदले में सम के बदले में ऑल, ऑल के बदले में सम, वो पुट कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग सेंटेंस में नॉट लगाना है, डन। निगेशन समझ में आया हूँ एवरी वन। 1.8 का क्वेश्चन नंबर वन फिनिश, ठीक है। 1.8 का क्वेश्चन नंबर वन फिनिश, यस एवरी वन ऑफ यू, ओके ठीक है। नाउ अब मज़ा आएगी यार, अब बहुत तोड़ मज़ा आएगी। जिन बच्चों को फॉर्मूलेज वगैरह समझ गए हैं, ठीक है, रूल्स समझ गए हैं निगेशंस के, वो जो 5 रूल्स है वो समझ गए हैं, तो बहुत मज़ा आएगी। यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन, क्या यूज़ करने बोला है, रूल्स ऑफ निगेशन, मतलब कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, निगेशन ऑफ निगेशन का, ठीक है। और उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ बाय डबल इम्प्लीकेशन, ऑल राइट, ठीक है। मतलब ये 5 रूल्स यूज़ करना है। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका निगेशन लिखना है। कैसे लिखोगे यार बता दो मुझे, पूरे का निगेशन कर लो पहले, ब्रैकेट पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू, ठीक है, पूरे का आपको निगेशन बताना है। चलो बताओ मुझे निगेशन, मैम कौन सा लगा है, यहाँ तो ये भी दिख रहा है, यहाँ तो ये भी दिख रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, कंजंक्शन वाला लगाओ, कंजंक्शन डिसजंक्शन का जो निगेशन है उसे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। इस पूरे को क्या ले लो, स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना, इस पूरे को क्या ले लो, पी, इस पूरे को क्या ले लो, क्यू। पी एंड क्यू का निगेशन करो अभी, बहुत सिंपल है, पी एंड क्यू का निगेशन करना, बहुत मज़ा आएगी। इस पूरे को हमने ले लिया एज इट इज लिख लिया, ये एंड बच जाता है और ये बन जाएगा निगेशन क्यू, डन। ये समझ में आया मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज़ किया निगेशन ऑफ, ये क्या था, क्या बोलते थे हम लोग, कंजंक्शन ना कि डिसजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। तो हमने निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज़ करके यहाँ पे लिखना, बाय यूजिंग, प्रॉपरली लिखना, बाय यूजिंग निगेशन ऑफ कंजंक्शन, हमने ये निकाला, ठीक है। अब करो ज़रा एम्प्लाइज, अब निगेशन ऑफ, कलर चेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, निगेशन ऑफ, यहाँ तक ब्लू कलर पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ मत देखना। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज आर, ये क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड यहाँ पे क्यू क्या है अपना, आर है, पी एंड नॉट आर, डन। ये और एज इट इज रहेगा, बिकॉज आप कहीं पे पूरे में निगेशन नहीं है, ठीक है। और ये निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम। देखना ज़रा आंसर क्या आ रहा है, पी एंड नॉट आर, और ये देखो पी एंड नॉट आर और नॉट क्यू, क्या क्या यूज़ किया है यहाँ पे आपने, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इसी ही डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, और बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। एवरी वन, यस ऑल क्लियर, मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी, जन्नत लगेगा, पता है मैथमेटिक्स है ही, सीरियसली बहुत मज़ा आती है यार, बता दो समझ में आया एवरी वन ऑफ यू। दिव्या बेटा सबको समझा, तोड़ कैसे समझ में आएगा और आगे सॉल्व करना है, पार्थ एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको इस पूरे का क्या करने बोला है, निगेशन, पूरे का ब्रैकेट लगा दो भाई, निगेशन, ये देखो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, डन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, पूरे होल का ब्रैकेट लगा दिया आपने और बाहर निगेशन लगा दिया, ठीक है, ओके। अब इस पूरे को सॉल्व कैसे किया जाए यार, तो देखना ज़रा यहाँ पे एंड है, तो इस पूरे को अगर मैं पी ले लेती हूँ और ये क्यू है, तो पी एंड क्यू का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है, निगेशन पी एंड क्या हो जाएगा, और निगेशन क्यू, डन। ये स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप आया, सेकेंड स्टेप बना क्या बेटा, यस। अब ध्यान से, अब घाई नहीं गाना बिल्कुल कुछ नहीं। अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन बताना, मतलब मैडम मतलब देखो इधर,
पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है? पी एंड नॉट क्यू. आपको बोला मैंने बस यही एक पार्ट लर्न करना, बाकी अपने आप आ जाएगा. पी एंड नॉट क्यू, बोलो मेरे साथ साथ, पी एंड नॉट क्यू. ठीक है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? पी एंड नॉट क्यू. डन. ये देखो अब यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे अपना आर है, पी तो पी ही है भाई, तो इसको लिख दो पी एंड नॉट आर. ये और एज इट इज, और ये नॉट क्यू, इसका तो कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं है ना, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. समझा? अभी एक ही में टाइम लगेगा, एक ही में टाइम लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा. समझा? आपने क्या किया था, आपने क्या किया बेटा, आपने इसके बदले में ये पुट कर दिया यहाँ पे. इसलिए मैंने लिखा कि बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये आया निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का यूज़ किया है पी एंड नॉट क्यू, और यहाँ पे क्यू क्या है? आर, तो पी एंड नॉट आर. सिंपल. हाँ ऑब्वियसली, यस यस, दो बार करेंगे. वो भी कुछ याद नहीं करना है आपको, कुछ भी याद नहीं करना है बेटा. आपने कुछ याद थोड़ी ना किया है, ऐसे दो बार एक बार. हाँ, निगेशन करना है सीधा. क्लिक कैसा होना चाहिए माइंड में? इसका निगेशन करना, इस पूरे का आपने क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है आपने? निगेशन करना है भाई. एक काम करो, पूरे को ब्रैकेट में डाल दो, ये लो बड़ा ब्रैकेट, और इस निगेशन, निगेशन पी के साथ ओपन होगा. हमें पता है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है, निगेशन पी, और ये जो एंड हो जाएगा निगेशन, तुम पी के पास चले जाओ एंड और हो जाओ, और निगेशन तुम क्यू के पास भी चले जाओ. ठीक है, वही हमने किया बेटा. यहाँ पे हमारा पी क्या है, ये पूरा पी है, तो तुम, ये रहा इसका निगेशन, ये एंड बन जाता है और ये क्यू भी आ गया, निगेशन क्यू. यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका भी तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, देखो इसका भी तो पढ़ा था अभी, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पढ़ा था ना, क्या होता है? पी एंड नॉट क्यू. ठीक है, तो ये आ गया पी एंड नॉट आर और नॉट क्यू. समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब बहुत सिंपल सिंपल से पार्ट है. सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको, पूरे को ब्रैकेट में लगा के निगेशन डालना है. ठीक है, ये आपके लिए, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, ब्लू कलर इज योर क्वेश्चन. आपने क्या किया देखो, पूरे को ब्रैकेट में लगा दिया और क्वेश्चन और निगेशन लगाया. ठीक है, अब निगेशन को आपको ओपन करना है. निगेशन ओपन कैसे करोगे, बीच में साइन क्या दिख रहा है, इम्प्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया पी एंड क्यू. इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या है, पी एंड नॉट क्यू. तो यहाँ पे पी क्या है बेटा, पूरा पूरा पी क्या है, ये पूरा पी है. ठीक है, रेड कलर यूज़ नहीं करता है. हाँ, ये पूरा क्या है, दिस इज योर पी इम्प्लाइज आर, तो इस पी को पहले इधर लिख लिया, ये पूरा एंड नॉट आर, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट आर, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट आर. सिंपल. ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं. अब आ रहा है आपको निगेशन ऑफ और क्या बन जाएगा, एंड. निगेशन तुम पी के पास भी चले जाओ, निगेशन तुम क्यू के पास चले जाओ, और बन जाएगा एंड, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो. सेकेंड पार्ट डन, एवरी वन ऑफ यू, सेकेंड पार्ट डन. नो, करो करो शांति से करो. ठीक है, आप एक बार ट्राई करो घर पे और फिर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना. ठीक है, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क. थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है. यहाँ पे क्या करना है मैडम, कुछ भी नहीं है. सबसे पहला पार्ट तो मैंने आपको बताया, पूरे का ब्रैकेट लगा लो, सबका नोट कर लो. अब यहाँ पे क्या, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा पी, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा क्यू, और ये क्या है एंड. फॉर्म किसका लगाओगे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का पहले लगा दो, क्या हो जाता है निगेशन पी और एंड क्या बन जाएगा, और निगेशन क्यू. ये लो निगेशन पी और निगेशन क्यू. अब
इनका निगेशन कर लो, ब्रैकेट ओपन करो, निगेशन ऑफ निगेशन पी, ये एंड क्या बन जाएगा और ये क्यू क्या बन जाएगा, निगेशन क्यू, समझ में आया। अब यहाँ पे ओपन करो ज़रा, ये और एज इट इज़ है, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और क्या बन जाएगा एंड, ठीक है, और ये निगेशन आर, निगेशन ऑफ निगेशन आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था ये निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा, पी निगेशन ऑफ बाय यूजिंग निगेशन ऑफ निगेशन, देन। अच्छा बेटा वन मोर थिंग, ये जो फॉर्मूला है ना आप निगेशन ऑफ कंजंक्शन और डिसजंक्शन, यहाँ पे आपने यूज़ किया ना कंजंक्शन डिसजंक्शन, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ। ऑलराइट, कंजंक्शन या डिसजंक्शन कुछ भी आ रहा है आप डी मॉर्गन्स लॉ भी लिख सकते हो। ऑलराइट, आपको आगे बताऊंगी मैं कि वो वही डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, ओके। अगर ये भी समझ में आ गया है तो ये देखना ज़रा, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो गया, निगेशन ऑफ निगेशन पी, पी ये और नॉट क्यू, और नॉट क्यू एज इट इज़ लिख दिया, ये हो गया हमारा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट नहीं है बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, छोटा ब्रैकेट लगा दिया, और को एज इट इज़ लिख दिया, वापस से बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करो ज़रा, यहाँ पे भी निगेशन ऑफ निगेशन क्यू दिख रहा है, लिख दो क्यू, ये एंड दिख रहा है, लिख दो एंड, निगेशन ऑफ निगेशन आर दिख रहा है, लिख दो आर, डन। क्या होमवर्क पूरा ही करवा दिया आपको तो, लो फिर भी गाइस एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, वन हो गया, टू हो गया, ये एक बार ट्राई करो तो टुमारो वी विल फिनिश। अच्छा वन मोर थिंग, आप ये वाला पार्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर टू का, एग्जैक्टली सेम है, तो क्वेश्चन नंबर फोर इज़ योर होमवर्क। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करो, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या यूज़ करना है, गलतियाँ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलतियाँ करोगे नहीं, गलतियाँ हुई ना तो क्या करने का, साइड में लिखने का, यार माई मिस्टेक, इस तरह से आपने जो भी मिस्टेक किया वो लिखना यहाँ पे, हिंदी में इंग्लिश में वॉट एवर यू, ठीक है, आप अपनी मिस्टेक लिख के रखो, एग्ज़ाम टाइम पे या जब टेस्ट होगी हमारी तब ये सारी मिस्टेक्स एक बार ओवरलुक करना, यार ये मिस्टेक की थी ये नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मिस्टेक दिख रही है नोट्स में अपने, जो भी आपने पेंसिल से लिखा है वो पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है, ओके चलो यार, तो क्वेश्चन नंबर फोर इज़ योर होमवर्क, करवाऊंगी मैं, चिंता मत करो, ये वाला पार्ट मैं आपको पूरा करवा के देने वाली हूँ, ठीक है, एनीवे मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवाई है। क्वेश्चन नंबर थ्री कुछ थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो मैं आपको कल बताती हूँ। ऑल राइट चलो, क्योंकि उस पूरे को पी माना है हमने, हमने उस पूरे को पी माना है इसलिए बेटा मैंने क्यू लिखा, ठीक है, उस पूरे को पी माना, पूरे को क्यू माना। अब जैसे ये वाला पार्ट देखो ना, आप ये वाले पार्ट देख रहे हो, आपको लगता है मैं इतना पूरा सॉल्व कर सकती हूँ एक साथ, मुझे आता है नहीं, हमें नहीं आता, तो हम क्या मानेंगे, इस पूरे को मान रहे हम पी, इस पूरे को मान रहे हैं क्यू, अब फॉर्मूला लगा रहे पी एंड क्यू, अब इनका निगेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो रहा आपका निगेशन का फॉर्मूला। देखो ये निगेशन पहले इसके साथ आ गया, ये निगेशन इसके साथ आ गया, और ये और क्या, ये जो और था ये क्या बन गया आपका एंड, सिंपल। फिर उसके अगला स्टेप, ठीक है, तो ये जो पांच रूल है, पहले वो पांच रूल अच्छे से ध्यान रखो, एक बार वो पढ़ो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ट्राई करो, बनेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, ओके। चलो 6 बज गए, आपके अकाउंट्स का लेक्चर रेडी हो, ओके चलो चलो यार, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, होमवर्क शांति से करके दो, कोई घाई नहीं है, बट अच्छी तरह से समझना चाहिए, जो कोई डाउट से व्हाट्सएप पे आज भरमार कर देना, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुपस में भरमार कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है, चलो यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।